अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम बात कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एम्ब्रियोलॉजी की, और उसमें जो लास्ट वीडियो एम्ब्रियोलॉजी से मुताल्लिक बात करने वाली वो है फीटल सर्कुलेशन, जो मैं इसमें आपको बताऊंगी। आई एम सॉरी, आई नो कि शायद स्क्रीन से आप लोगों को देखना कितना ईजी और कन्वीनियंट होता है, लेकिन जो डायग्राम्स हैं ना उनसे जितना अच्छा आपको याद रह सकता है उतना अच्छा आपको मैं सिंपल अगर थ्योरी पढ़ाती लूँ तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है, इसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। सो इट गोज़ लाइक दिस, बहुत आसान सी है। इतना याद रखना है कि आपको पता है कि फीटस में लंग्स आर नॉट वर्किंग, क्योंकि बच्चा जब अंदर होता है तो उसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई सांस लेने वाली जगह पर नहीं होती, बिकॉज ही इज़ इमर्स्ड इन एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपकी पल्मोनरी वेसल्स हैं वो तकरीबन बहुत कोलैप्स्ड स्टेट में होती हैं और लंग्स फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से लंग्स को ब्लड सप्लाई की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। लंग्स की जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत थोड़ी सी होती है जो उनकी तरफ जानी होती है, उसके अलावा सारा पल्मोनरी वैस्कुलेचर हमारा हाईली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास जो ड्यूरिंग फीटल लाइफ जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ब्लड को आपको पता है नॉर्मली कहीं भी किसी भी जगह पर जब ब्लड सर्कुलेशन होती है तो एक आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो फीटल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ प्रोवाइडेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो जो फीटस का अम्ब्लाइकस है जो उसका एब्डोमेन पे होता है, वहाँ से ब्लड वेसल्स बाहर निकलती है, उसको अम्ब्लाइकल वे आर्टरी कहते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टुवर्ड्स प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, ये याद रखना, अक्सर लोग बेध्यानी में गलत कर देते हैं कि फीटल सर्कुलेशन में आर्टरी जो अम्ब्लाइकल आर्टरी है इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया हुआ, ये नज़र आ रही है आपको पर्पल वाली, और जो अम्ब्लाइकल वेन है ये यहाँ पर ब्लड के ऑक्सीजनेशन के बाद प्लेसेंटा से उसको वापस फीटस के अंदर लेके आती है, ठीक है। तो ये तो एक बात होगी कि यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब उल्टा होता है, और ऑक्सीजनेशन सेंटर इज प्लेसेंटा, ठीक है जी, लंग्स आर नॉट। अब सबसे पहले क्या हुआ कि हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपकी अम्ब्लाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर प्लेसेंटा से एंटर हुई, ठीक है। एंटर होने के बाद अब इसका काम यह है ना कि अम्ब्लाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले तो आई है, उसूलन क्या होना चाहिए, अब जाहिर है हमारी पूरी बॉडी को ये ब्लड चाहिए, तो ये ब्लड चाहिए इस तरह से कि अब ये ब्लड जाना चाहिए हार्ट में, हार्ट के थ्रू एओर्टा में, और एओर्टा इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करे। तो ये किस तरह से होता है कि ये अम्ब्लाइकल वेन रेड वाली आ रही है, ठीक है, रास्ते में लिवर आता है। लिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ड्यूरिंग फीटल लाइफ, बहुत सारे काम, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म लिवर में चल रही होती है, मतलब लिवर इज़ हाईली फंक्शनल। वैसे भी लिवर के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन फीटल लाइफ में मैंने आपको जैसे बताया कि लंग्स को बहुत ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग दैट मच, लेकिन लिवर को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम इस तरह बनाया और इतना अच्छा बनाया है कि डायरेक्ट जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अम्ब्लाइकल वेन आ रही होती है तो रास्ते में थोड़ा सा वो डायरेक्टली लिवर को दे देती है, ठीक है, ये जा रही है लिवर की तरफ, और बाकी चला जाता है टू इन्फीरियर वेना कैवा। इन्फीरियर वेना कैवा में जब बाकी ब्लड जाता है तो वो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और जिस शंट पाथवे के थ्रू हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना कैवा में जाता है, इस शंट को हम कहते हैं डक्टस वेनोसिस। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में अगर आपको याद हो, जो बड़े बंदे होते हैं, तो उनमें ऐसे होता है कि जब आपका सारी बॉडी से, ये देखेंगे ये वाली ब्लू वाली बड़ी बड़ी वेन्स नज़र आ रही हैं, ब्लू कलर वाली, ये ब्लू वाली बड़ी वाली वेन्स क्या शो कर रही हैं, सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता हुआ। तो हमारी पूरी बॉडी, जो हमारा बॉडी सारा सिस्टम है, वहाँ से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो नॉर्मल बंदों में भी वो लिवर में जाता है, और लिवर से वो चला जाता है इन्फीरियर वेना कैवा में, और वहाँ से चला जाता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, फिर जाता है लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेशन हो जाती है नॉर्मल बंदों में जो बड़े लोग होते हैं। अब बच्चों में, यानी फीटस में, जहाँ पर लंग्स फंक्शन नहीं करे, तो सिस्टम क्या है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया नीचे वाले हिस्से से लिवर में और पहुँच गया, ठीक है जी, लेकिन अम्ब्लाइकल वेन उधर से ही लेके आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर में, और उसने लिवर को सप्लाई कर दिया। अब ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक शंट पाथवे के थ्रू चला जाता है डायरेक्ट इन्फीरियर वेना कैवा के साथ, ये देखें डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, इस शंट पाथवे को हम कहते हैं डक्टस वेनोसिस। उसके अलावा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी इन्फीरियर वेना कैवा में एंटर होता है, लेकिन हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतनी ऑक्सीजन होती है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती, इसीलिए ये वाली जगह उनने रेड कलर की शो की हुई है, ये उनने पर्पल नहीं की। इस डायग्राम में रेड जो एरियाज़ हैं वो शो करें हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पर्पल एरियाज़ शो करें, जैसे ये पर्पल है, मीडियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो ब्लू एरियाज़ हैं वो ये शो करें कि ये वाली जगह पुअर ऑक्सीजनेशन है, मतलब लो ऑक्सीजनेशन, यानी वीनस ब्लड जिस तरह का होता है। तो ये ब्लू वाला सारी बॉडी का ब्लड जब हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा से मिलता है तो वो सारा हाईली ऑक्सीजनेटेड ही एक तरह से हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्फीरियर वेना कैवा से एंटर हुआ राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से आगे इसके जाने के दो पाथवेज हैं। पहला पाथवे है राइट एट्रियम से थ्रू फोरमेन ओवेल, यहाँ दरमियान में सुराख है, फोरमेन ओवेल है, डायरेक्ट चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा से इधर आ गया। अब अपर पार्ट ऑफ बॉडी को ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली चला जाता है, ठीक है जी,
उसके बाद अपर पार्ट ऑफ बॉडी का जब चला गया, उसके बाद आ गया ये नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ जब मूव करेगा तो ये भी नीचे भी आ जाएगा। अब ये पर्पल कैसे होता है ये देख लेते हैं। जब मैंने कहा था कि ये वाला हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, तो इसके दो पाथवे हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये आ गया इधर, दूसरा पाथवे है कि ये भी तो रास्ता है ना राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने वाला। तो दूसरा ये रास्ता होता है कि थोड़ा सा ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। अब जो राइट वेंट्रिकल में आता है, तो राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मनरी ट्रंक में। पल्मनरी ट्रंक ये वाला जो ये पर्पल वाला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये पल्मनरी ट्रंक से आगे फिर दो रास्ते हैं। एक है कि अल्लाह ताला ने एक शंट बनाया हुआ है पल्मनरी ट्रंक का एरोटा के साथ, ठीक है जी। पल्मनरी ट्रंक और एरोटा को जो कनेक्ट करते हैं इसको कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये वाला जो ब्लड है जो इस वक्त थोड़ा मीडियम ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ये हो जाएगा जब हमारे पास पल्मनरी ट्रंक में आएगा तो ये डक्टस आर्टेरियोसस के जरिए एरोटा के डिसेंडिंग पार्ट में चला जाएगा और सारी बॉडी में, और थोड़ा सा ब्लड इधर पल्मनरी वेसल्स में जाकर आपके लंग्स को भी सप्लाई कर देगा, ठीक हो गया। अब ये ब्लड थोड़ा मीडियम ऑक्सीजनेटेड होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि सुपीरियर वेना कैवा से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी इसमें आके शामिल हो जाता है ना, इस वजह से, ठीक हो गया जी। हाँ ऐसे, तो अब यहाँ तक हमने बात कर ली। हमने कहा यहाँ से हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, थोड़ा सा लिवर में चला गया था, बाकी सारा शामिल हुआ था सारे के सारे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ इन्फीरियर वेना कैवा में। इन्फीरियर वेना कैवा से आया था राइट एट्रियम ने। राइट एट्रियम से उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में आ जाए थ्रू फोरामेन ऑफ वेल, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी को हाईली ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में सप्लाई हो जाए। बाकी दूसरा रास्ता ये कि वो आ जाए राइट वेंट्रिकल में इधर से, और फिर जाए अपने पल्मनरी ट्रंक में, और डक्टस आर्टेरियोसस के जरिए चला जाए दोबारा एओर्टा में, थोड़ा थोड़ा सा पल्मनरी वेसल्स में और थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड है इन फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। ये देख लें, अपर पार्ट ऑफ बॉडी को हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, लेकिन जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को सप्लाई हो रहा है वो मीडियम ऑक्सीजनेटेड है। और ये इसलिए सिलसिला बनाया गया है क्योंकि ज़रूरत भी इतनी ही होती है। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में हमने लिवर सबसे वाइटल ऑर्गन है, लिवर को तो डायरेक्ट सप्लाई मिलगी, बाकी सारे ऑर्गन्स को मीडियम ऑक्सीजनेशन से भी काम चल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन यहाँ लिवर है, ऊपर ब्रेन है, हार्ट है, इन सबको हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सारा का सारा जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू ऑल चैनल्स कलेक्ट होता है और इन्फीरियर वेना कैवा में आ जाता है, ठीक है। और इधर से सॉरी आपका पहले सबसे इसके अलावा ये होता है कि आपका ये वाला ब्लड जो सब जब सारी बॉडी में जाता है, सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहीं से अम्बिलिकल आर्टरीज बनती है और प्लेसेंटा में चली जाती है, प्लेसेंटा से इस ब्लड की ऑक्सीजनेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी छोटी सी फीटल सर्कुलेशन। अब इस फीटल सर्कुलेशन में आपकी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जब प्रॉब्लम तो हम बाद में देखने, पहले ये देखते हैं कि जब आपका बच्चा पैदा होता है वो सांस लेता है, सांस लेता है तो जो आपकी लंग्स हैं एकदम एक्सपैंड करते हैं, खुलते हैं, उनके खुलने से जो उनके अंदर वेसल्स थे उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, जो उनके अंदर तंगी थी वो कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, तंगी कम होती है, वेसल्स खुलती हैं, तो आपको पता है कि ब्लड जो है वो लंग्स में ज़्यादा सर्कुलेट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जब बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू राइट एट्रियम, तो ये खुद ब खुद जो आपका फोरामेन ओवेल है ये क्लोज हो जाता है, फोसा ओवेलिस कहलाता है, जो निशान यहाँ रह जाता है उसको फोसा ओवेलिस कहते हैं, ठीक है। ये क्लोज हो गया। दूसरा काम, एक तो हमारा ये शंट था ये बंद हो गया, फिर हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट शंट है जिसका फौरी तौर पर बंद होना ज़रूरी है वो है ये वाला डक्टस आर्टेरियोसस, क्योंकि डक्टस आर्टेरियोसस इज कनेक्टिंग एओर्टा एंड पल्मनरी ट्रंक, जो कि अगेन अगर हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में खुला रहेगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। उसके लिए क्या चीज़ होती है कि जब आपका सांस लेने से ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ जहर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो प्लेसेंटल सप्लाई कट जाती है, इसको पेटेंट रखने के लिए, डॉक्टर आर्टेरियोसिस को पेटेंट रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ज़रूरी हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ रहे होते हैं प्लेसेंटल सर्कुलेशन से। जब आपका प्लेसेंटा सप्लाई कट हो जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आना बंद हो जाते हैं और ऑक्सीजन आपको सांस से लेना शुरू कर देता है बच्चा, तो डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से ये डॉक्टर आर्टेरियोसिस खुद ब खुद बंद हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका ये बंद नहीं हुआ होता ना और पेटेंट रह जाए इन फीटल के बाद जब आपकी बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर हम क्या देते हैं, हम इस बच्चे को एनसेड्स देते हैं। एनसेड्स क्या होते हैं, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, वो प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन को और कम करते हैं जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है, ठीक है जी। तो ये दोनों शंट्स इस तरह हमारे बंद हो जाते हैं, और ये वाला तो खुद ब खुद ही कट ऑफ हो चुका होता है क्योंकि प्लेसेंटा जो निकल जाता है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो एडल्ट लाइफ में डक्टस आर्टेरियोसस की जगह जो रेमिनेंट होता है उसको लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं, डक्टस विनोसस के रेमिनेंट को लिगामेंटम विनोसम कहते हैं, फॉरमेन ओवेल के रेमिनेंट को फॉसा ओवेलिस कहते हैं, फिर जो अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन्स हैं, अम्बिलिकल
आर्टरीज बन जाती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स, मीडियल, ठीक है, अम्बिलिकल से मीडियल याद रखना है, और जो अम्बिलिकल वेन है ये बन जाती हैं राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। ये सारी बातें एमसीक्यूज में आती हैं, अपने याद रखें, किसी कोई मसला भी कैन आस्क मी। थैंक यू।